हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैगजोन। आज मैं आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करने जा रहा हूँ हमारे चैनल के रिगार्डिंग। आप लोगों के लिए काफी सारे सरप्राइजेस हैं, काफी सारे नए फीचर्स हैं जो हम लोग अपकमिंग सेशन में लाने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट होता है तो आपको सबसे पहले वो पता चल सके। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग ने अपना कल सेशन कर रहे थे लाइव सेशन, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो 28 नवंबर को हमारा लाइव सेशन होने वाला है, उसे प्लीज अटेंड करिएगा, भूलेगा मत, 5 to 6:15। और वहां पर हम लोग फ्री गिव अवे करने वाले हैं अपने मटेरियल का। और आज इस वीडियो में हम लोग उसी मटेरियल का एक ओवरव्यू देखेंगे, उसके बारे में थोड़ी चीजें जानेंगे, वो क्या है, उसमें क्या चीजें हैं, कैसे आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो और कैसे आप उसे फायदा उठा सकते हो, क्या आपको उसमें एडिशनल चीजें मिलेंगी, क्या पॉजिटिव फीचर्स हैं, क्या नेगेटिव फीचर्स हैं, ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और हमारे अपकमिंग गेट 2020 के लिए हम लोगों ने क्या क्या चीजें प्लान कर रखी हैं, क्या क्या मटेरियल आप लोगों के लिए मैंने प्रिपेयर किया है, वो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में आप लोग को एक जल्दी से बताऊंगा क्विकली। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे मटेरियल के साथ। तो ये जो मटेरियल है, देखिए, दिस मटेरियल दैट आई एम हैविंग और आई एम शोइंग यू राइट नाउ इज फ्रॉम द आईसीई इंस्टीट्यूट दैट इज इंस्पायरिंग क्रिएटिविटी एंड एंडेवर। दिस इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर गेट, आईईएस एंड पब्लिक सेक्टर एग्जामिनेशंस। सो आई हैव दीज थ्री बुक्स एंड दीज थ्री बुक्स आर एक्चुअली द टेक्निकल सेक्शन बुक्स। इसमें तीनों बुक्स में सिर्फ हमारा टेक्निकल सेक्शन दिया हुआ है, नॉन टेक वाला मेरे पास नहीं है। और ये मटेरियल मेरे पास रिव्यू के लिए आया है और ये मटेरियल को मैंने रिव्यू किया है एंड इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और यही मटेरियल आपको मिलेगा एब्सोल्युटली फॉर फ्री, किसी मेरे एक सब्सक्राइबर या व्यूअर को ये तीनों बुक्स एब्सोल्युटली फ्री में दिए जाएंगे। और उसको जीतने के लिए, उसको पाने के लिए आपको सिंपल से एक कॉन्टेस्ट खेलना पड़ेगा जहां पर हम लोग आपसे 5 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम्स पूछेंगे और जो सबसे पहले मुझे आंसर देगा, जो सबसे पहले अपने आंसर्स मुझे ईमेल करेगा, दैट पर्सन विल बी गेटिंग ऑल दीज थ्री बुक्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। तो अब जैसा कि मैं इन बुक्स के बारे में मैंने इनको पढ़ा, अच्छे से इनको एनालाइज किया, तो ये तीनों बुक्स जो है इनमें आपको सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम्स मिलती हैं एंड दैट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हमने तीन लेवल में कैटेगराइज किया है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। जो लेवल 1 की प्रॉब्लम्स हैं, दीज प्रॉब्लम्स आर क्वाइट इजी एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व देम एट द फर्स्ट गो, मतलब पहली बार में आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो हमारी लेवल 2 और लेवल 3 की प्रॉब्लम्स हैं, ये काफी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ उसमें से इजी है डेफिनेटली, लेवल 3 वाली थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो जैसे कि यहां ये बुक है, देखिए, दिस बुक इज फॉर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मशीन डिजाइन। ये चार जो डिजाइन वाला सेक्शन है ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर बुक्स में, और इसमें प्रॉब्लम्स काफी अच्छी दी हुई है, काफी सॉर्टेड प्रॉब्लम्स हैं। और मैं ये बुक बिल्कुल रिकमेंड करूंगा आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम पे, लाइक, कुछ लोग टेस्ट सीरीज नहीं दे पाते हैं या मन नहीं करता या डर लगता है कि हमारे नंबर कम आ जाएंगे, तो उन लोगों के लिए ये जो बुक्स होने वाले हैं, जो प्रैक्टिस मटेरियल है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल। तो आप लोग क्या करिए कि ये जो मटेरियल है आप लोग इसे ले सकते हो और आप इससे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर देखिए, ये एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला हो गया, फिर एक है हमारा यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये दूसरा बुक हो गया हमारे पास। और ये जो थर्ड बुक है, दिस इज फॉर दी थर्मो एचएमटी एंड एफएम, तीन टॉपिक्स का हमारा ये तीसरा बुक हो गया। तो अब सबसे पॉजिटिव बात करें, सबसे अच्छी बात करें स्टडी मटेरियल की, तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी अच्छे दिए हुए हैं और बहुत थरर प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। अगर आप कम से कम इस पूरी बुक को 2 बार भी सॉल्व कर लेते हो, देन डेफिनेटली यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर गेट 2019। तो और कॉस्ट वाइज भी अगर देखा जाए तो कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। एक बुक है 110 की, एक बुक है 150 की और एक है 145 की। तो ये तीन बुक्स आपको इन टोटल मिला के सिर्फ और सिर्फ 405 रुपीज की पड़ रही हैं। लेकिन अगर आप इसे मैगजोन में, हमारे इस वीडियो में, मतलब हम लोग जब फ्री गिव अवे करेंगे तो तब मैं आपको लोगों को एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, और अगर आप उस लिंक से बाय करते हो तो फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, कुरियर चार्जेस विल बी एक्स्ट्रा। तो वहां से आपको ये बुक्स तीनों बहुत सस्ते रेट में और बहुत अच्छे मौके पर मिल जाएंगी। और चूंकि स्टॉक हमारा बहुत लिमिटेड है तो स्टॉक विल बी लिमिटेड ओनली फॉर 10 डेज, तो 10 डेज के लिए ही वो लिमिटेड रहेगा। अच्छा,
अब प्रॉब्लम्स की बात करें तो यहां पर आपको कुछ प्रीवियस ईयर गेट की प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि गेट की नहीं मिलेंगी, गेट की जो काफी अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो आपको मिलेंगी। देखिए मैं आप लोग को दिखा देता हूं एक बार, तो मेरे पास ये वाली बुक है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सोम और इस टाइप से, तो ये देखिए यहां पर हम लोग को प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, बहुत ही सिंपल और लूसिड तरीका है, कोई बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंसी नहीं है यहां पर, ठीक है। तो काफी सिंपल तरीके से रिप्रेजेंटेशन है और इसके सोल्यूशन भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं और बहुत सिंपल तरीकों से सॉल्व किया गया। यू विल बी वेरी इजीली गेटिंग ऑल द सोल्यूशन ऑन द फर्स्ट गो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आंसर की भी दिया हुआ है सोल्यूशन भी दिया हुआ है। अच्छा अब बात आती है कि नेगेटिविटी क्या है इस मटेरियल में, तो वैसे तो देखिए कंटेंट वाइज कहीं भी नेगेटिविटी कुछ भी नहीं, लेकिन अगर हाँ आपको आदत है बहुत अच्छे क्वालिटी ऑफ पेपर में पढ़ने की, बहुत चिकना पेपर होना चाहिए, बहुत ऐसे कुछ शोबाजी होना चाहिए, तो फिर यहाँ थोड़ा आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, क्योंकि पेपर की क्वालिटी आई विल जज, मतलब पेपर की क्वालिटी मीडियम है, मीडियम गुड है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। लेकिन अगर आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो दैट डजंट मेक एनी सेंस कि पेपर की क्वालिटी बहुत खराब है, खराब बिल्कुल भी नहीं, पेपर की क्वालिटी काफी अच्छी है यहाँ पर। तो बस एक ये चीज यहाँ पर थोड़ी सी मुझे कमी लगी, बाकी मटेरियल में आपको कहीं भी कमी नहीं मिलेगी, प्रॉब्लम्स काफी अच्छे हैं, मैंने खुद भी सॉल्व किए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स में मैं डेफिनेटली अटक गया था तो फिर बाद में लेकिन हो जाते हैं। तो जो लोग टेस्ट सीरीज देने से डरते हैं या टेस्ट सीरीज नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पाएंगे, तो उनके लिए ये तीनों बुक्स बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, तो ये लोग जरूर इन बुक्स को ले लें, बाकी लोग भी ले लें, मेरा रिकमेंडेशन ये है, क्योंकि इस पे आपको मेरी तरफ से मिल रहा है फ्लैट 10% डिस्काउंट। हाउएवर ये सारी बुक्स आप Amazon पर भी देख सकते हो, इन ये वाला जो इंस्टीट्यूट है इसके डायरेक्ट आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, लेकिन कहीं पर भी कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ Magzone की तरफ से 10% का फ्लैट डिस्काउंट आप सबको दिया जाएगा ओनली फॉर 10 days के लिए। और यहाँ पर थर्मो सोम का भी मतलब जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर देखे काफी अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर आईसी इंजन भी आपको मिल जाएगा, पावर प्लांट भी मिल जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स भी मिल जाएगा, तो काफी क्वेश्चंस मतलब मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड है कि दे कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन गेट 2019। और यही मटेरियल जो हमारी तीन बुक्स हैं, आई विल बी गिविंग दीज थ्री बुक्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री टू वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स जो कि हमारे कॉन्टेस्ट में जीतेंगे या जीतेंगी, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया सिर्फ 5 problems में आप लोगों को दूंगा, जिसका सोल्यूशन सबसे पहले जो मुझे भेजेगा मेल से, या मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम जिसकी सही होंगी दैट पर्सन विल बी गेटिंग दिस मटीरियल एब्सोल्युटली फॉर फ्री। और ये तो बात हो गई हमारे स्टडी मटीरियल की, और इसमें आप लोग को हाँ थ्योरी नहीं दी हुई है, टू बी वेरी फ्रैंक इट डज नॉट कंटेन एनी थ्योरी, यू सिंपली हैव टू सॉल्व दी प्रॉब्लम। वैसे भी थ्योरी हम लोग को बहुत ज्यादा गेट में पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमें मेन प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी होती है। सो दिस बुक डज नॉट कंटेन एनी थ्योरी, माइंड यू अगर आपको लग रहा है इसमें थ्योरी भी मिलेगी तो ऐसा नहीं है, इट डज नॉट कंटेन थ्योरी, थ्योरी बुक्स अलग आती है इनकी, वो मेरे पास नहीं है, और इसमें अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स आप लोगों को मिल जाएंगी। तो ये है मटेरियल जो हम लोग देने वाले हैं अपने गिव अवे सेशन में, जो कि होने वाला है 28th of November 5 to 6:15 PM के बीच में। तो ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इनोवेटिव सी चीज प्रिपेयर कर रहा हूं, एक सब्जेक्ट का मैंने प्रिपेयर कर दिया है, बट इट इज टेकिंग टाइम एंड इट इज दिस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो लिखा है मिनी मैकेनिकल मसाला प्रिपेयर्ड बाय फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फॉर गेट बाय इंजीनियर शगुन वार्ष्णेय। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम प्रिपेयरिंग शॉर्ट नोट्स, दीज आर नॉट एग्जैक्टली द शॉर्ट नोट्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस पे पूरा मेरा मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन है, इट इज अबाउट 40 pages, देखिए द लास्ट पेज इज 40, सो ये 40 pages में मैंने पूरा मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन किया है, कवर मेरी हैंड राइटिंग में, ये शॉर्ट नोट्स बिल्कुल भी नहीं है, इसको आप ये ना समझे कि इसमें सिर्फ फॉर्मुले लिखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पर आपको पूरी थ्योरी मिलेगी, पूरे फॉर्मुलेज मिलेंगे और बहुत थरर बहुत अच्छे रिवीजन के लिए ये सारे नोट्स आपके बहुत इस्तेमाल में आने वाले हैं। तो अभी तो सिवा मतलब मैंने मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन से शुरू किया है, स्लोली आई विल बी कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, तो सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे शॉर्ट नोट्स, और एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब जब आपके पास 2 महीने बचेंगे लाइक दिसंबर एंड जनवरी, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये नोट्स पढ़ने हैं, टेस्ट सीरीज देना है, रिवीजन करना है, फिर इन्हीं नोट्स से फिर रिवीजन, टेस्ट सीरीज, नोट्स, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, मतलब यही साइक्लिंग हमें प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। तो यहां पर देखिए अभी तक मैंने मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन से शुरू किया है, ये मैंने फिनिश कर दिया ऑलमोस्ट आप ही लोगों के लिए, आई एम प्रिपेयरिंग ऑल दिस मटेरियल फॉर यू
एंड आई हैव नो इश्यूज इन वर्किंग हार्ड फॉर माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा मेटल कटिंग एंड मशीनिंग, मेटल फॉर्मिंग, कास्टिंग, वेल्डिंग, देन मशीन टूल्स एंड ऑपरेशंस, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग, मेट्रोलॉजी, सारी चीजें इसमें मैंने यहाँ पर कवर कर दी है। और इसी तरीके से आई विल बी मेकिंग दीज मैक्रो नोट्स, दीज आर नॉट माइक्रो नोट्स, दीज आर मैक्रो नोट्स, लेकिन पूरा नोट्स भी नहीं है और माइक्रो भी नहीं है, तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ मैक्रो नोट्स विच विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर थरर रिविजन फॉर गेट और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो सेकंड चीज तो मेरा सरप्राइज आप लोगों के लिए ये है जो हमारा नए सेशन से आप लोगों को मिल पाएगा। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि आई एम दी ओनली वन हु इज प्रिपेयरिंग इट, सो इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट ट्रस्ट मी व्हेन इट विल बी कंप्लीटेड यू विल बी डेफिनेटली हैप्पी एंड बेनिफिटेड फ्रॉम दिस मटेरियल। तो सेकंड तो मेरा हो गया ये आप लोगों के लिए। थर्ड बात ये है कि हम लोग अपनी वेबसाइट को अपडेट करा रहे हैं और हमारे नए सेशन से हमारी वेबसाइट कंप्लीटली अपडेटेड हो जाएगी और बहुत सिंपल नेविगेशन हो जाएगा हमारी वेबसाइट पर, और आपको गेट ईएसई के अलावा बाकी सारे एग्जाम्स की डिटेल हम लोग वहां पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। मेरे यूट्यूब के वीडियोज का लिंक भी आपको वहां मिल जाएगा, अनअकैडमी के वीडियोस का लिंक भी आपको वहां से मिल जाएगा। सारा मटेरियल जो है आपको वहां से फ्री वाला तो मिली जाएगा, लेकिन जो हमारे एग्जैक्ट नोट्स हैं जो हमारे चैनल पे पढ़ाए जाते हैं वो भी आप बाय कर सकते हो। और हम लोगों ने अब जो अपना पेमेंट गेटवे है वो पेटीएम से बना दिया है, इंस्टा मोजो को हम लोग रिमूव कर देंगे। तो सेकेंड थर्ड इंपॉर्टेंट बात ये थी। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो नोट्स आप लोगों को हमारे चैनल में दिखते हैं या जो मैंने चैनल के दौरान पढ़ाए हैं अपने लेक्चर्स के दौरान, नाउ आई एम रीराइटिंग ऑल दोज नोट्स एंड आई एम अपग्रेडिंग दोज नोट्स, उसको मैं अपग्रेड कर रहा हूं। देखिए आप देख सकते हैं रिवाइज्ड एंड अपडेटेड हैंड रिटन नोट्स एंड आई एम करेंटली वर्किंग ऑन थियरी ऑफ मशीन्स। तो ये नोट्स जो मेरे होने वाले हैं गेट के साथ साथ ईएसई और एसएससी जेई के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होंगे, तो यहां पर मैं इस पर भी मेहनत कर रहा हूं। तो करेंटली आई एम वर्किंग ऑन टू थिंग्स, दैट इज द मिनी मैकेनिकल मसाला एंड दीज अपडेटेड नोट्स। आई हैव स्टार्टेड विद थियरी ऑफ मशीन्स, एज यू कैन सी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। सी, अब यहां पर कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी कि दीज नोट्स आर एंटायरली फ्रॉम अ पर्टिकुलर कोचिंग और नॉट, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। सारा जो बेस्ट स्टडी मटेरियल है 6-7 मटेरियल्स को हम लोगों ने कंसिडर करके अभी मतलब मैंने शुरू किया है फ्रॉम टुमारो, और काफी हद तक मैंने कोशिश की है कि राइटिंग साफ रहे। तो ये पूरे पूरे नए नोट्स, पूरे अपडेटेड नोट्स आप लोगों को मिलेंगे और आप लोग इसे बाय कर सकते हो हमारे चैनल से। ये नेक्स्ट सेशन में हम लोग पूरा अवेलेबल करवा देंगे आपको, बिकॉज इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स फिर से मैं लिख रहा हूं। अच्छी हैंडराइटिंग में, अच्छे फॉर्मेट में आपको मिलेगा, अच्छी क्वालिटी में मिलेगा, एंड डेफिनेट सी बात है प्राइसेस थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि पेजेस, इसके नंबर ऑफ पेजेस विल बी लेसर। तो ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहली बात, हमारी नए नोट्स आपको मिलेंगे। देखिए यहां पर मेरा अनअकैडमी वाला फोटो लगा हुआ है, रिवाइज्ड एंड अपडेटेड हैंड रिटन नोट्स थ्योरी ऑफ मशीन। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको हमारे नए सेशन में मिल जाएंगे। सेकेंड चीज मैंने आपको बताई है ये मिनी मैकेनिकल मसाला। आप लोग सोच रहे होंगे मैं हर चीज का नाम गुटका और मसाला ऐसे क्यों रखता हूं, ऐसा कुछ भी मतलब मेरा सेंस नहीं है या मैं एल्कोहलिक ऐसा कुछ भी नहीं लेता, लेकिन चीजों का नाम थोड़ा अट्रैक्टिव रखने से चीजों की तरफ लोगों का अटेंशन बहुत जल्दी चला जाता है। तो दैट इज वाई आई नेम ऑल माई मटीरियल लाइक गुटका एंड मसाला एंड ऑल दैट। तो ये भी मेहनत में आप लोग कर लूँ। तो दो चीजें मैं पैरेलली आप लोगों के लिए कर रहा हूं ताकि नेक्स्ट सेशन से आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, आप लोगों को सारी चीजें आपके हैंड में हो, आप आसानी से सिर्फ रिवीजन करो, टेस्ट सीरीज दो और रिवीजन करो। तो ये दो हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर अभी हम लोग फिलहाल में काम कर रहा हूं। और थर्डली जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ये मटेरियल है मैंने आप लोगों को बताया, और 28 नवंबर को 5 to 6:15 PM के बीच में हमारा जो लाइव सेशन होगा आप उसे मिस मत करिएगा, क्योंकि ये मटेरियल मैं दूंगा फ्री एब्सोल्युटली टू वन ऑफ माय व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जो कि हमारे कॉन्टेस्ट के थ्रू चुना जाएगा। और मैंने आपको ये मटेरियल के बारे में बता दिया है, इसकी क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको 500 से ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे, और अगर आप ये 500 क्वेश्चंस दो महीने में कम से कम दो बार प्रैक्टिस कर लेते हो थर्ली, तो आई एम गिविंग यू अ गारंटी कि आपके बहुत अच्छे स्कोर आएंगे। अबव 65 तो आप बहुत प्यार से ले आओगे और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और आप ये मटेरियल बाय भी कर सकते हो, हालांकि एक ही इंसान को मिलेगा लेकिन बाकी लोग बाय भी कर सकते हैं। एक लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अपने लाइव सेशन में ही, वाले वीडियो में अपलोड कर दूंगा वो लिंक, और
आप लोग इसको 10% फ्लैट 10% डिस्काउंट में, उसमें अमेजोन का लिंक भी डाल दूंगा ताकि आप लोग कंपेयर कर सको। तो वहां हम लोग अमेजोन का लिंक भी अपलोड करेंगे, आईसीई का ऑफिशियल लिंक भी अपलोड करेंगे जहां से आप चेक कर सकते हो प्राइसेस का, लेकिन आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मैगजोन की तरफ से। और लास्ट जो और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग को पता होगा हम लोगों ने बहुत पहले एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग योर हेल्प इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, मतलब मॉनेटरी हेल्प के लिए, तो केवाईसी इशू का काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, वो भी अब हम लोगों ने रिजोल्व कर दी है। तो अगर आप लोग चाहें तो अपना ड्यूरेशन या जो भी हेल्प है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, यू कैन डायरेक्टली सेंड टू वन ऑफ माई नंबर्स, मैंने आप वो नंबर आपको प्रोवाइड करा देंगे, पेटीएम का नंबर है, तो आप अपनी हेल्प जो है मॉनेटरी टर्म्स में आप उस पर डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और हमारी वेबसाइट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, बहुत लोगों को दिक्कत हो रही थी वेबसाइट को नेविगेट करने में, तो वो सारी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर देंगे। और नए सेशन से मेरा बर्थडे जब आएगा 2nd of April को, तो हम लोग अपनी नई वेबसाइट को लॉन्च करेंगे जहां पर आपको गेट, ESE, SSC, JEE और बाकी सारे एग्जाम्स की फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पूरा मटेरियल आप बाय कर सकते हैं, काफी मटेरियल आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है हमारे फ्री मटेरियल भी रहेगा। तो ये सब बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। और हमारा लाइव सेशन अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें, हमारे इस मटेरियल का गिव अवे भी होगा और आप लोगों से एक लाइव सेशन में इंटरेक्शन भी हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लेट अस नो योर फीडबैक, एंड कुछ भी सजेशन होता है तो आप हमको बताइए। तो एक बार क्विकली क्विकली फिर से कर लेते हैं, हमारा स्टडी मटेरियल, हमारा मैकेनिकल मसाला जो मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैक्रो नोट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर मेरी हैंडराइटिंग इतनी बुरी नहीं है, लेकिन ठीक हैंडराइटिंग में कहता हूँ, तो सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए एक बार फिर से लिख ली है। तो इस तरीके से सारे आपको नोट्स मिलेंगे बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में, मैक्रो नोट्स और मेजर नोट्स जो हम लोग फिर से अपने अपडेट कर रहे हैं, वो तो हमारा प्रोग्राम चल ही रहा है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप दैट यू विल डेफिनेटली टर्न आउट ऑन 28th of November फ्रॉम 5 to 6:15 PM एंड अटेंड आवर लाइव सेशन, एंड डू लेट अस नो योर रिव्यूज एंड फीडबैक्स थ्रू योर कमेंट्स एंड थ्रू योर लाइक्स। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच।